देखें ट्रिग्नोमेट्री, जो ट्रिग्नोमेट्री बर्ड है वो बर्ड हमारा जो है ग्रीक बर्ड है, तो ग्रीक बर्ड के हिसाब से अगर हम देखें तो ट्रिगो का मतलब होता है थ्री और गोनो का मतलब होता है साइड्स, ठीक है। और जो मैट्री है, मैट्रोन अगर देखें तो इसका मतलब होता है मेजरमेंट। तो इतना हमें समझ में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है तीन साइडों का मेजरमेंट, ठीक है। तो कोई ऐसी फिगर जिसमें तीन साइडें आती हो और उनका मेजरमेंट हमें करना हो तो हम कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति के थ्रू। तो ये एक मैथ का ब्रांच आता है। तो देख लेते हैं कि मैथ का जो ब्रांच है वो कौन कौन सा होता है। जो मैथ का ब्रांच है, हम कह सकते हैं, आप बड़े अच्छे से जानते हैं कि 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एलजेब्रा बहुत फेमस है, ठीक है, एलजेब्रा हुआ। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा जैसे कि हम बहुत जानते हैं वेक्टर, जो हमें +2 में पढ़ने को मिलता है, वेक्टर हो गया। तीसरा बहुत अच्छे से हम लोग पहचानते हैं, तो जानते हैं आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई। और क्या हो सकता है दोस्तों, स्टैट, स्टैटिक्स जो होती है मैथ में, 10th में पढ़ने को मिलेगा, आगे देखेंगे हम स्टैट, तो शॉर्ट में स्टैट हो गया। और साथ में हमारी जो जिसे हमें पढ़ना है वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो ये हुआ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। आज जो जानना है, हमें सिर्फ जानना है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। जैसे कि मैंने बोला कि ट्रिग्नोमेट्री जो है ग्रीक वर्ड है और उसका मतलब कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो तीन साइड वाली कोई भी फिगर जिसका हम मेजरमेंट ले सकें वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री में आता है। वो तो जैसे एग्जाम्पल, हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है, तो ट्राइंगल मतलब तो तीन साइडों को मिलाने से बनने वाली आकृति है, उसको हम ट्राइंगल कहते हैं, जिसे हम त्रिकोण भी कहते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं ट्राइंगल, तीन एंगलों से मिलकर बना, एक एंगल, दूसरा और तीसरा, ये ए बी ये सी, हिंदी में इसे कहते हैं त्रिकोण, तीन कोणों से बनने वाली आकृति त्रिकोण, ठीक है। तो ये ट्राइंगल है, इसी के बनी है हमारे पास त्रिकोण, तो इसी को हम कहते हैं त्रिकोणमिति, जो हमें पढ़ना है। तो आगे देख लेते हैं कौन कौन से हमें ट्राइंगल जो है वो पढ़ने हैं। बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल है वो सिर्फ हमें पढ़ना होता है राइट एंगल ट्राइंगल, लेकिन कई सारे ट्राइंगल हमारे पास हैं, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से ट्राइंगल हैं, थोड़ा हमें उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो पहला ट्राइंगल देख लेते हैं, पहला ट्राइंगल हमारे पास है, तो दोस्तों पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैंने बात करी थी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, और जहां पर हम देखेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्केलन, आइसोसेल्स और राइट एंगल ट्राइंगल, जनरली देखें तो हमारे पास जो ट्राइंगल होते हैं वो इसी फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज कैसा हो सकता है हम देख लेते हैं, समबाहु त्रिभुज किसे हम कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज के लिए अगर देखें तो ये कोई ट्राइंगल मान लीजिए हमने ए बी और सी माना, कह रहे हैं समबाहु, समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान, इक्विलेटरल, ठीक है, जिसका तीनों भुजाएं बराबर हो, यानी कि ये भी ए है, ये भी ए और ये भी ए ही है हमारे पास। तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें बराबर हैं दोस्तों, ऐसे ट्राइंगल को हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब आते हैं विषमबाहु। विषमबाहु का मतलब क्या बोल रहे हैं, विषमबाहु का मतलब है एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड बराबर नहीं है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है, जैसे ए बी और सी। देख लेते हैं, कुछ अलग बना लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसको यहां से ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो बी ये, ठीक है, ए है, ये बी है और ये सी है, ऐसा ट्राइंगल हमारे पास जिसमें तीनों साइडें इक्वल नहीं है, ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। बात कर रहे हैं हम यहां पर ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा ट्राइंगल हमारे पास कहलाता है विषमबाहु, या फिर स्केलन ट्राइंगल हम उसे कह देते हैं। आते हैं आइसोसेल्स ट्राइंगल पर, जिसे हम कहते हैं समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब हो गया जिसकी दो साइडें बराबर हों, ऐसी कोई भी दो साइडें जो ट्राइंगल की बराबर हों। सपोज करो मेरा ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये साइड ए है, ये भी ए है, इसे ए कह रहा हूँ, इसे बी कह रहा हूँ, इसे सी कह रहा हूँ। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइडें बराबर है, कहने का मतलब ए सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए है मेरा। तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसके हम बारे में बात कर रहे हैं कि जो समद्विबाहु है, जिसकी दो साइडें बराबर है, ठीक है। अब लास्ट वाला आता है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है वो हमारी जो है इसी के बेस पर है,
जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री हमें पढ़नी है दोस्तों, वो सारी की सारी पढ़नी है राइट एंगल ट्राइंगल के बेस पे। ये तो जस्ट मैंने आपको बता दिया था कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास त्रिभुज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल को देख लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी के लिए अगर हमने मान लीजिए, सपोज कीजिए ए और बी हमारे पास कोई बेस लाइन है, ए बी जो है वो बेस लाइन है और बी सी जो है परपेंडिकुलर है, बी सी परपेंडिकुलर टू ए बी, तब परपेंडिकुलर होगी तो एंगल बी जो होगा वो 90 डिग्री होगा। और बात करें एंगल ए और एंगल सी की, ठीक है, एंगल ए और एंगल सी जो हमारे पास होने वाले हैं और सॉरी होने वाले हैं वो हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब न्यून कोण जिसे कहते हैं। तो एंगल ए और कोमा एंगल सी, ये सारे के सारे 90 डिग्री से कम ही होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे एंगल जिनकी वैल्यू 90 से कम होती है, ठीक है, उन्हें हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो ये ए और सी जो है वो एक्यूट एंगल होने वाले हैं, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल की हम प्रॉपर्टी पर देखेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पर ही हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री। तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने एक्चुअली बताया कि हम जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, जो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ते हैं वो एक ग्रीक वर्ड से निकल कर आया है जिसका मतलब होता है तीन भुजाएं और ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाएं हों और हम उसका मेजरमेंट करें। तो वो मेजरमेंट दो तरह से होता है, एक तो एंगल के बेस पर होता है, ठीक है, जो मेजरमेंट होता है ट्रिग्नोमेट्री का वो होता है एक एंगल के बेस पे, दूसरा होता है हमारे पास साइड के बेस पे, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे साइड, रेशो में पढ़ना होगा तो यहाँ पर हम रेशो निकालेंगे। रेशो हम पढ़ेंगे सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में, रेशो जो होगा वो साइड्स और एंगल्स का। तो पहले हम रेशो पढ़ेंगे साइड्स का, साइड्स का रेशो क्या कहता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो चलते हैं आपके दोस्तों, मेरे ख्याल से जो मैंने आपको समझाया है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसे मैंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है एक ऐसा त्रिकोण, ठीक है, जिसके ऊपर हम उसकी साइड से उसके एंगल्स के बारे में बात कर सके, उसे हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है, वो हमें समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे कि मैं बताऊं तो अब सबके रिजल्ट आने ही वाले हैं, कुछ के एग्जाम्स जो है वो ड्रॉप हुए हैं, कुछ के एग्जाम्स जो है वो पोस्टपोन हुए हैं, या कुछ के एग्जाम्स जो है वो टर्मिनेट हो गए हैं कुछ बोर्ड्स ने। जैसे कि अभी अब इस समय जो टाइम है वो कोरोना का टाइम है, अब कोरोना के चलते बहुत सारे एग्जाम्स जो है वो टर्मिनेट हुए हैं और जो अब सेशन है वो भी शायद लेट हो जाएगा। तो दोस्तों अब जो इतना बड़ा लॉकडाउन लगा हुआ है, इस लॉकडाउन में शायद मैं सारी वीडियो अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जितनी जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे आपके लिए अच्छा है, क्योंकि मैं यहाँ से 10th प्लस वन और प्लस टू तीनों के मैथ्स की वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है, और साथ ही साथ मैं इंग्लिश की भी अपलोड करूंगा। बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी मेरे चैनल पर। तो चलें ट्रिग्नोमेट्री दोस्तों, सबसे पहले मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की मैं बात करता हूँ, यहां पर मैं हिंदी मीडियम की बात करता हूं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का मतलब क्या है? यहां पर रेशो निकालने के लिए हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं रेशो ऑफ, ठीक है, ट्राइंगल, रेशो ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल की साइड्स का अगर हम रेशो पढ़ेंगे तो उस रेशो के लिए हमें कुछ फार्मूलाज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, एक ट्राइंगल हमने लिया है जो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ए, ठीक है, ये एंगल ए है, ये एंगल सी है और ये एंगल बी है, जैसे कि मैंने बता दिया। अब हमें पता करना होगा कि साइड ए बी क्या कहलाती है, साइड बी सी क्या कहलाती है और साइड ए सी क्या कहलाती है, ठीक है। तो हिंदी में हम इसे कहते हैं आधार, ठीक है, और इंग्लिश में इसे कहते हैं बेस, समझ गए होंगे आप। दूसरा जिसको हम कहते हैं हिंदी में लंब, ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं लंब और इंग्लिश में इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और तीसरा जो है ये वाली साइड जो सबसे बड़ी साइड है इसको हम कहते हैं हिंदी में कर्ण, लेकिन इंग्लिश में से कहते हैं हाइपोटेन्यूस, ठीक है, हाइपोटेन्यूस इसको हम कह देते हैं हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस कर्ण हो गया, परपेंडिकुलर लंब हो गया और बेस यानी कि आधार हो गया, ठीक है। तो अब
हिंदी मीडियम वाले इसे किस तरीके से पढ़ेंगे। तो परपेंडिकुलर को हम जनरली पी से डिनोट कर रहे हैं और जो बेस है उसे हम बी से डिनोट कर रहे हैं और जो हाइपोटेन्यूस है उसे हम एच से डिनोट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं फार्मूला बना देता हूँ जो शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट क्या है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं, पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक है। इसका शॉर्टकट नेम मैं अभी आपको बताऊंगा, इसका शॉर्टकट नेम मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो लंब, अब जैसे आधार है तो आधार को हम हिंदी में ए से डिनोट करेंगे और जो लंब है उसे हम एल से डिनोट करेंगे और जो कण है उसे हम के से डिनोट करेंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बड़े आसानी से समझ लें, क्योंकि हम जब भी इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे तो तीनों साइडें हमें देखनी पड़ेंगी, तीनों साइडें क्या कहलाती हैं। तो ए बी साइड जो है वो हमारे पास बेस कहलाती है इंग्लिश में, उसे हमने बी से डिनोट किया है, हिंदी में उसे आधार कहते हैं इसीलिए हमने उसे ए से डिनोट किया है। परपेंडिकुलर कहते हैं इंग्लिश में इसीलिए हमने पी से डिनोट किया है, मैंने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ना लिखा है, ठीक है। और लंब कहते हैं उसे हिंदी में, इसीलिए हमने उसे एल से डिनोट किया है। कर्ण जो हाइपोटेन्यूस होता है उसको हम कर्ण कहते हैं और के से डिनोट किया है, और हाइपोटेन्यूस इंग्लिश के लिए हमने एच से डिनोट किया है, इसीलिए लिखा है पी बी पी अपॉन एच एच डी, ठीक है। हिंदी मीडियम के लिए बात कर लेते हैं तो ये होने वाला है एल ए एल अपॉन के, ठीक है। तो अब आप इसे किस तरीके से याद रखने वाले हैं, इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसे मैं समझा देता हूँ ये क्या है, ठीक है, और उसे समझा देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि इन टर्म्स में हम क्या यूज करते हैं। तो पी से होता है पंडित, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले, ठीक है। इस तरीके से अगर आप नाम लेके याद रखेंगे तो आपको याद रहने वाली, ये टर्म बहुत जरूरी है ट्रिग्नोमेट्री जानने के लिए और ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे कमाल करने के लिए आपको ये दोनों चीजें आनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश में हैं तो इंग्लिश में इस मीडियम से कर सकते हैं, हिंदी में हैं तो हिंदी मीडियम से इस तरीके से कर सकते हैं। मैं दोनों तरह से बता रहा हूँ, ठीक है। मैं इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके कुछ वीडियोस अपलोड करूंगा जो प्योर इंग्लिश में रहेंगे कन्वर्सेशन में, ठीक है। तो पंडित पद्री प्रसाद हर हर बोले, इसका शॉर्ट फॉर्म यानी कि फुल डिटेल में ये है, उसे हम कहने वाले हैं, ठीक है, लाल, सॉरी दोबारा लिख देता हूँ, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। अब मैं इसका एब्रिवेशन देना चाहता हूँ और मैं इसको बताना चाहता हूँ पी अपॉन एच क्या है, पी अपॉन एच क्या है, पी अपॉन बी क्या है। एक्चुअली ये रेशो है हमारी साइड्स के, जैसे पी, पी क्या है, परपेंडिकुलर है, एच क्या है, हाइपोटेन्यूस है। अगर पी अपॉन एच यानी कि दो साइडों का मैं रेशो लूँ, पी क्या है मेरा बी सी और एच क्या है मेरा हाइपोटेन्यूस, अगर ये मैं ये लेता हूँ तो इसके साथ मुझे एंगल की कौन सी जिया यूज करनी पड़ेगी, यानी कि कौन सी जिया एंगल की यूज करनी पड़ेगी, यानी कि मुझे साइन यूज करना पड़ेगा, कोस यूज करना पड़ेगा, टैन कोट सेक कोसेक क्या यूज करना पड़ेगा, उसे हमें इजीली समझना होगा। तो पहले हम पी बी पी की बात कर लेते हैं, देन उसके बाद में उसे आसानी से बता दूंगा। पहले हम लेते हैं पी अपॉन एच, पी अगर देखें तो पी क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, बी सी, अपॉन एच हाइपोटेन्यूस है क्या है, ए सी, सही है। अब अगर इसे मैं, ठीक है, अब इसे अगर मैं लिखना चाहूं तो ये पी क्या है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब है, एल, और एच क्या है यानी कर्ण है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। अगर इंग्लिश के लिए है तो हिंदी वालों के लिए जो जैसे लेना चाहता है वैसा ले रहे हैं। अब हम जब दो साइडों का रेशो ले रहे हैं यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का रेशो ले रहे हैं तो ये कौन सा आने वाला है, तो साइड दोस्तों ये कहलाता है, ठीक है, पी पी एच अपॉन होता है साइन, साइन, साइन में हम क्या लेने वाले हैं, साइन में हम लेने वाले हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो इसी तरीके से ये साइन हो गया, अगर मुझे इसका रिवर्स करना होगा, रिवर्स उल्टा कर दूं, एच से अब हम चले थे पी से बी की तरफ, अब हम चलेंगे एच से बी की तरफ, अगर मैंने एच अपॉन पी लिखा तो क्या हो जाएगा, एच को क्या लिख रहे हैं, ए सी, ए सी अपॉन बी सी बराबर के अपॉन एल, अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, अब ये हो जाएगा हमारे पास कोसेक। अब ये चीज आप बस दो में मैं समझाना चाहता हूँ, तो आप ये दो समझ लीजिए कि अगर हमने किन्हीं दो साइड्स का अगर रेशो लिया,
तो उसके साथ हमें कोई ना कोई जिया लेनी पड़ेगी। एंगल को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास छह तरह की जियाज हैं, जैसे साइन है, कोस है, टेन है, सेक है, कोसेक है, इस तरह का हमें कुछ ना कुछ लेना पड़ता है। ठीक है, ये कब काम करेगा? जब हमारा एंगल ए होगा, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन ए या कोसेक ए। जब हम इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं तब ये हमारे पास परपेंडिकुलर काम करेगा, और जब हम इस एंगल के बारे में बात करेंगे तो हमारे सामने ये परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा एक्यूट एंगल होगा, जिस एक्यूट एंगल के सामने से हम बात करेंगे, वो सामने वाली साइड हमारे पास परपेंडिकुलर होने वाली है। आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो ये दोस्तों समझ में आ गया आपको कि साइन अगर हम लेते हैं तो हमारे पास दो साइडें कौन कौन सी आने वाली है? वो साइड आने वाली है परपेंडिकुलर अपोन हाइपोटेन्यूज, और अगर हम कोसेक की बात करते हैं तो कोसेक के लिए आने वाला है हाइपोटेन्यूज अपोन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ब्रीफली आसानी से समझा देता हूँ आपको, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो एक बार इसे शॉर्ट में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो पंडित बद्री प्रसाद है। ठीक है, थोड़ा दूर दूर में लिखता हूँ ताकि मेरे को आसानी रहे। बद्री प्रसाद है, हर हर बोले। ठीक है दोस्तों, अब बड़े आसानी से समझ लीजिए, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने ये आसान तरीके से समझ लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब कि 1% भी आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है, बहुत ईजी तरीके से, बहुत बेसिक से मैं लेके चल रहा हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो सारी देखी, अच्छे से पढ़ी, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे पी अपॉन एच हम लेते हैं, अगर हम चलते हैं पी से एच की तरफ, पी से एच की तरफ इस टाइप से, तो ये चलता है हमारा साइन। ठीक है दोस्तों, और अगर हम एच से पी की तरफ चलते हैं, एच से पी की तरफ चलते हैं, ठीक है, तो ये चलता है हमारा कोसेक। जैसे मैंने बताया कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक ही होता है। नेक्स्ट वाले में बात करें तो नेक्स्ट वाले के लिए हम बात कर लें, जब बी से एच की तरफ चलेगी, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज में अगर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की बात करूं तो बेस कितना होने वाला है? बेस होने वाला है हमारे पास ए बी, और हाइपोटेन्यूज कितना होने वाला है हमारे पास ए सी। अगर हम इस तरीके से चलेंगे तो ये वाली टर्म कहलाएगी कोस, और जब हम एच से बी की तरफ चलेंगे तो ये वाली कहलाने वाली है हमारे पास कोस का उल्टा सेक। ठीक है, आगे बढ़े। तो अगर हम चलेंगे P से B की तरफ तो ये कहलाने वाली है tan, और B से हम चलेंगे P की तरफ तो ये कहलाने वाली है cot। समझ में आया या नहीं समझ में आया? मैं फिर से दोहरा देता हूँ, जब हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लेंगे तो एंगल sin होगा, जब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर लेंगे तो एंगल कोसेक होने वाला है। उसी तरीके से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लेंगे तो एंगल कोस होगा, जब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस लेंगे तो एंगल सेक होगा। उसी तरीके से परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेंगे तो एंगल टेन होगा, और बेस से अगर हम बेस का रेशो परपेंडिकुलर के साथ लेंगे तो हमारे पास एंगल होने वाला कोट। ठीक है, इसी तरीके से मैं दूसरे वाले टर्म जो है वो समझा देता हूँ हिंदी वाले। ठीक है, तो बात करते हैं एल ए एल पर, और लाल बटे कक्का। ठीक है, देख लीजिए आप भी समझ में आ जाएगा। तो ये रहा साइन, ये रहा कोसेक। ठीक है, ये रहा आपका कोस, ये रहा आपका सेक, ये रहा आपका टेन, और ये रहा कोट। ठीक है, ये होने वाला है। तो लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और लंब बटे आधार। जब लंब का रेशो कर्ण के साथ लेंगे तो साइन एंगल यूज करेंगे, जब कर्ण का रेशो एल के साथ लेंगे यानी लंब के साथ लेंगे तो कोसेक एंगल होने वाला है। जब आधार का कर्ण के साथ रेशो लिया जाएगा तो कोस एंगल होगा, जब कर्ण का आधार के साथ रेशो लेंगे यानी कि के अपॉन ए लिखेंगे तब सेक बनेगा, और एल अपॉन ए लिखेंगे तो टेन बनेगा, और कोट में क्या बनने वाला है? ए अपॉन एल बनने वाला है। तो इसे अच्छे से आप ध्यान रखेंगे और इसे आप नोट्स कर लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ताकि अभी हम बेस पर हैं,
और बेसिक चीजें समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको ये बता दिया कि रामलाल बटे कक्का और पीवीपी पे काम करेंगे पंडित बद्री प्रसाद। एक चीज और मैं आपको समझा देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद और हरहर मुनि। कुछ बच्चे कहते हैं, जब मैं जिन्हें पढ़ाता हूँ तो बच्चे कहते हैं कि सर ये थोड़ा हार्ड, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले थोड़ा हार्ड, थोड़ा इजी बना दो, इजी थोड़ा इजी इजी होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। तो शायद आपको अच्छा ना लगे, बट लेकिन थोड़ा इजी टर्म्स में मैंने बता दिया है और बड़ा आसान तरीके से, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप सुनिए मैं बता देता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है जैसे ठीक है, बेटा जो है पापा से कहता है, बेटा जो है वो पापा से कहता है, पापा बियर पियोगे? तो पिताजी क्या कहते हैं? हाँ हाँ बेटा, ध्यान रहेगा, पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा, ध्यान रहेगा ना। तो मैं लिख देता हूँ एक बार, पापा बियर पियोगे? तो हाँ, बेटा। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, अगर हो सकता है तो आप इस तरीके से याद रख लीजिए, पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जैसे भी आप चाहते हैं। एक नाम लिया मैंने उनको याद करने के लिए, इजी टर्म्स में याद करने के लिए, ताकि आप जब उसे फार्मूले में यूज करें तो अच्छे से यूज कर पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया कि रेसो, रेसो जैसे हमें पढ़ना है कि रेसो, ठीक है, हमें पढ़ना है क्या? ट्रिग्नोमेट्री में पहले पढ़ रहे हैं कि रेसो ऑफ साइड्स, जो हमने देखा पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले के साथ साथ ही हमने देखा लाल भट्टे कक्का से। तो ये क्या है? ये रेसो है हमारी साइड्स का, ठीक है। लेकिन इसमें ये जब काम करेगा जब हमारे पास एंगल फ्रंट वाला होगा, ये एंगल ए बी सी, ठीक है। अभी अब मैं एंगल ए की बात करता हूँ, जैसे एंगल ए क्या है? लेस देन 90 डिग्री है। क्यों? हम जानते हैं कि क्या होती है, सम ऑफ ऑल द ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है? 180 डिग्री, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। ये 90 अगर हो गया तो इन दोनों में से कोई भी 90 नहीं होने वाला है, 90 से ज्यादा नहीं होने वाला, तो 90 से नीचे ही रहने वाले हैं। तो 45, 45, 90 और 90 कितना हो गया? 180 हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि इस तरीके से हो, वो चेंज भी हो सकते हैं, दोनों का सम 90 डिग्री रहेगा, ये रह सकता है, ये 60 हो, ये 30 हो, 30 हो, 60 हो, 45, 45 हो, इस तरीके से हमारा एंगल हो सकता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, जब हमारे पास एंगल इंटरचेंज है, जब एंगल ए है, एंगल ए है तो किस तरीके से हमारे पास रेशो होने वाला है, और जब एंगल सी होगा तो रेशो किस तरीके से होने वाला है, ठीक है। अगर मैंने साइन ए की बात करी, ठीक है, जब हम एंगल ए की बात करेंगे तो ये वाली साइड जो है, जो एंगल ए के जस्ट सामने है, एंगल ए के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहने वाले हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर कहने वाले हैं। फॉर्मूला यही रहेंगे, इनमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला। जैसे सपोज कीजिए मैंने टेन लिया, टेन ए मैंने कैलकुलेट किया, तो टेन ए कितना होता है? लंब बटे आधा या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लंब बटे आधा या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना मिला? बी सी, और बेस कितना मिला? ये हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई भी हम ले लें, कोस ले लेते हैं, कोस ए, तो कोस ए कितना होता है? बी अपॉन एच, तो बी कितना बेस और एच कितना हमारे पास? ए सी। तो ये ए बी अपॉन कितना होने वाला है? ए सी, इस तरीके से होने वाला है। लेकिन अगर इस जस्ट इसके अपोजिट मैंने एंगल सी की बात कर दी, ठीक है, ये तो हो गया। अगर इसी तरीके से मुझे टेन सी निकालना हो और कॉस सी निकालना हो तो कैसे निकलने वाला है? अब ये ऐसे नहीं निकलने वाला है, ठीक है। तो अब मैं ये एंगल हटा देता हूँ और हम लोग बात करेंगे अब सी के बारे में। तो जैसे कि मैंने बोला कि एंगल के जस्ट सामने वाली साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर कहलाएगी, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। अब ये पी हो गया और ये हो गया बी। कहने का मतलब ये पी और बी हमेशा आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। जब हमने ए के बारे में देखा था तो ये पी था और ये बेस था, लेकिन अब सी के बारे में बात कर रहे हैं तो सी के बारे में पी क्या बना? जो हमारा पहला बेस था वही, अब जो हमारा परपेंडिकुलर था वो बन गया बेस। एंगल सी के कॉरस्पॉन्डिंग में बात कर रहे हैं तो एंगल सी के कॉरस्पॉन्डेंस जो होगा वो बी सी इज बेस,
एंड ए बी इज परपेंडिकुलर, बट हाइपोटेन्यूज इज द सेम। जो आपका कर्ण है, जो हाइपोटेन्यूज है, वो हमेशा सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो एंगल के चेंज होने से सिर्फ और सिर्फ दो साइडें चेंज होंगी, पी और बी, पी और बी, ठीक। तो अब टेन सी क्या होता है, हम जानते हैं कि पी अपॉन बी या एल अपॉन ए होता है। तो पी अपॉन बी, अब इस एंगल में हम देख लेते हैं पी अपॉन बी क्या होने वाला है। पी कितना है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, ए बी अपॉन बेस कितना है, बी सी, ठीक है। तो वैल्यू देखा, यानी कि एक दूसरे के उल्टे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। कॉस सी की हम बात कर लेते हैं, कॉस सी आने वाला, कॉस सी कितना आने वाला, तो कॉस सी अगर हम देखें तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, और आगे देखें तो बी अपॉन एच के बाद अब यहाँ पर बेस कितना है हमारे पास, बी सी, और एच कितना है हमारे पास, ए सी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा जो है वो एंगल जो है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। जब एंगल इंटरचेंज होंगे तो हमारे बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया, अब हम लोग आगे चलेंगे। अब हम एक्सरसाइज 8.1 की हम बात करेंगे, ठीक है, जो 10th क्लास 10th के लिए है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, सीबीएसई, पंजाब बोर्ड, यूपी बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, भारत में चलने वाले जितने भी बोर्ड हैं सबके अंदर ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक या बेस जिसे कहें वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है, खास तौर से उन स्टूडेंट के लिए जो अभी 10th में आ रहे हैं, ठीक है, जो 9th पास करके 10th में आ रहे हैं। तो उसके लिए वीडियो हम लोग अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल पर। तो आप मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको मिल सके। और ठीक है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर 10th प्लस 1 और प्लस 2 सारी मैथ्स की वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि ये टाइम जो है बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम है, लॉकडाउन है, ठीक है, पूरे भारत में, क्यों जानते हैं कोरोना का असर है हर जगह। तो मैं यही कहूँगा मेरे फ्रेंड्स दोस्तों कि आप सेफ रहिए, अगर आप सेफ हैं तो देश सेफ है, और देश को सेफ रखने की जिम्मेदारी हम सबकी बनती है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी का ही जिम्मेदारी नहीं है देश को बचाने की, हम सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। तो हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। तो आप मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 8.1।